हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुप्रेप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज के रेगुलर अपडेट्स मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो लेसन है वो एडजेक्टिव के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनर यूजुअली एग्जाम्स में जरूर रखते। So, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एडजेक्टिव के ऑर्डर का अरेंजमेंट है, यानी कि हम एडजेक्टिव्स को किसी सेंटेंस में किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे या क्या सीक्वेंस होगा, इसके ऊपर हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या है। अगर मैं एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करूं तो हम एडजेक्टिव्स को कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, वी ऑल नो दिस, आपने बचपन से पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, दैट सिंपली मींस कि ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका काम होता है किसी भी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो प्रोनाउंस को भी मॉडिफाई करते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सेंटेंस कि आपको क्या दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ शी इज अ टॉल गर्ल, तो यहाँ जो वर्ड टॉल दिया है वो इस प्रोनाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, बट यहाँ जो आपको नाउन दिया है दैट इज गर्ल। तो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो टॉल वर्ड है वो इस गर्ल के लिए यूज हुआ है। ये वर्ड क्या कर रहा है, गर्ल को, वर्ड जो है वो टॉल मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आप कुछ भी अगर ऐसा सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने कहा शी इज टॉल, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आपने वो बात किसके लिए कही है, उस पर्टिकुलर लड़की के लिए। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो आप यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, हम उन्हें कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स। हम एडजेक्टिव्स को मॉडिफायर्स और क्वालिफायर्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैंने आपको लिख के दिया हार्ड वर्किंग students get good grade. So here in the given sentence हम बात कर रहे हैं इन students की। ठीक है, ये students हुए आपके noun। students कैसे हैं, hard working, यानी कि hard working students जो हैं उन्हें अच्छे grades मिलते हैं। तो यहाँ वापस आप देख रहे हो कि grades जो है वो एक noun है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो नाउन और दो एडजेक्टिव्स हैं। आप कुछ भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, अगर कोई भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन मॉडिफाई करता है तो हम उन्हें मॉडिफायर्स या एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर, अगर आप ऐसा कहते हैं आई सॉ, लेट्स से दिया हुआ है आपको आई सॉ अ ब्राउन रैबिट। ओके, सो हियर इन द गिवन सेंटेंस हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नाउन रैबिट की। ओके, सो आवर नाउन इज रैबिट और रैबिट किस कलर का है, ब्राउन। इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें इस पर्टिकुलर नाउन के लिए। तो यानी ब्राउन जो वर्ड है वो रैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर, तो जनरली स्टूडेंट जब आपको एक एडजेक्टिव दिए जाते हैं किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए तो आप बहुत ईजिली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। पर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स दिए होते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन को मॉडिफाई, और वही हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो है वो यूजफुल होगा। यानी जब आपको एक नाउन को कई सारे एडजेक्टिव से मॉडिफाई करना हो तो आप अपनी मर्जी से उन एडजेक्टिव्स को कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आपको उन्हें प्लेस नहीं करना है, बल्कि वो एडजेक्टिव एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही फॉलो कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर वो फॉलो करते हैं, वो क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, वही आज का डिस्कशन है। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। सो स्टूडेंट, यहाँ आपको एक रेड कार दिख रहा है और यहाँ मैंने इसके लिए तीन सेंटेंसेस लिए हैं। पहला सेंटेंस आपको मिल रहा है अ ब्यूटिफुल न्यू रेड जर्मन कार, सेकेंड सेंटेंस अ ब्यूटिफुल जर्मन रेड न्यू कार, और तीसरा सेंटेंस है ब्यूटीफुल रेड न्यू जर्मन कार। स्टूडेंट, तीनों सेंटेंसेस में हमने एक ही बात कही है, बट आप देख रहे हैं कि मैंने हर सेंटेंस में सेंटेंस का जो कॉम्पोजिशन है हमारा वो मैंने डिफरेंट किया है। इसमें से कोई एक ही सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्टली करेक्ट है।
बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ साउंड पर जाते हैं, यानी वो साउंड के अकॉर्डिंग सेंटेंस को का करेक्शन करते हैं। उन्हें लगता है कि ये बेहतर साउंड कर रहा है तो शायद ये होगा। कुछ लोगों को शायद सेकंड सही लग रहा हो, कुछ लोगों को शायद फर्स्ट सही लग रहा हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्हें शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही लग रहा होगा, कुछ को फर्स्ट एंड थर्ड सही लग रहा होगा। यह आपकी अपनी चॉइस पे होगा, बट हमें यहाँ पर क्या साउंड अच्छा कर रहा है, क्या साउंड ऑकवर्ड कर रहा है, इस पे नहीं जाना है। हमें कौन फॉलो करना है, यहाँ मैं अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसको करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आप बहुत इजीली अपना एरर यहाँ आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ मैंने आपको 11 स्ट्रक्चर्स दिए हैं और इस 11 सर्कल के साथ हर पॉइंट पे मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन किया है। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 2, 11, हम इसी अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव्स को प्लेस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में आपको डिटर्मिनर दिया है तो हम सबसे पहली पोजीशन पे डिटर्मिनर्स रखते हैं, फिर ओपिनियन को रखा जाता है, फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको साइज बताए, देन फिजिकल क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स, देन शेप बताने वाले वर्ड्स, देन एज, कलर, देन ओरिजिन, देन मटेरियल, देन पर्पस, एंड फाइनली द नाउन। ठीक है, तो जो सीक्वेंस आप फॉलो करोगे वो यही होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनर्स रखना है और जो सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है हम उसी के बेस पर सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी कहीं भी उठाकर रख सकते हैं, इनको इंडिविजुअली समझते हैं। जैसा यहाँ पहले देख रहे हो आपको डिटर्मिनर्स दिया है, तो बेसिकली स्टूडेंट डिटर्मिनर्स कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, ताकि नाउन किस चीज को रेफर कर रहा है इस बात की क्लैरिटी सेंटेंस में दी जा सके। यहाँ यूजुअली जो वर्ड्स को यूज करते हैं वो कुछ भी ऐसा वर्ड हो सकता है जो नाउन को मेंशन कर रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ यूज करते हैं ए एंड द। डिटर्मिनर्स को आप कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे हम ए एंड द को जानते हैं किस नाम से, आर्टिकल्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हम यूज करते हैं ईच, एवरी जैसे वर्ड्स भी यूज होते हैं, दिस, दोज, दैट वर्ड यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर नाउन के पहले आएंगे और जब भी ये यूज किए जाएंगे तो वो नाउन किस चीज को रेफर कर रहा है उसकी क्लैरिटी आपको मिलती है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं डिटर्मिनर्स, क्योंकि इनका काम, मेन काम जो है वो डिटर्मिनेशन का है, राइट। बात उसके बाद करते हैं सेकेंड पोजिशन पे आने वाले टर्म की, एंड दैट इज ओपिनियन। कोई भी चीज, यानी कि कोई भी नाउन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी हमने कार का एग्जाम्पल देखा, हमने कहा ब्यूटीफुल जर्मन। ठीक है, तो ब्यूटीफुल वर्ड है वो मेरा ओपिनियन है उस कार को लेकर। तो अगर आपको ये वर्ड मिल रहा है ब्यूटीफुल, तो ये ओपिनियन होगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि कोई चीज डिफिकल्ट है, तो ये आपकी ओपिनियन हो गई। अगर आप कहते हैं कि कोई चीज ऑफुल है, अमेजिंग है, टेरिबल है, हॉरिबल है, कुछ भी जो आपको ओपिनियन दे रहा हो, आपकी ओपिनियन दिखाए, हम उसको ओपिनियन में काउंट करते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा आता है आपके पास साइज। साइज कहने का मतलब कि कोई भी नाउन जो आपको दिया है वो साइज वाइज कैसा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ी चीज है तो आप क्या कहोगे, बिग, स्मॉल कह सकते हैं, छोटी है तो लिटिल का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं मैसिव का यूज कर सकती हूँ, बड़ा, बहुत बड़ा, इनॉर्मस यूज कर सकती हूँ। ठीक है, आप जायंट वर्ड यूज कर सकते हैं, आप टॉल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को हम साइज में काउंट करते हैं। फिर आता है नंबर फिजिकल क्वालिटी का। फिजिकल क्वालिटी स्टूडेंट मीन्स कि कोई चीज बाहर का अपियरेंस उसका कैसा है, उसका फिजिकल अपियरेंस कैसा है, फिजिकली वो कैसा दिख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो कार हम देख रहे थे वो स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ आ गया। अगर वो रफ है या वो हार्ड है, ठीक है, या वो सॉफ्ट है, तो ऐसा कुछ भी जो आप यूज कर रहे सेंटेंस में फिजिकल क्वालिटी डिनोट करने के लिए, हम उन्हें यहाँ फोर्थ नंबर पर रखते हैं। फिर बात आती है शेप की। अगर सपोज मैं ऐसा कहती कि वो कोई टेबल जो है वो सर्कुलर है, या कोई टेबल जो है वो ओवल है, या कोई टेबल है जो फ्लैट है, कोई चीज है जो सिलिंड्रिकल है, ये सारे वर्ड्स, रेक्टेंगुलर एटसेट्रा, ये सारे शेप डिनोट करते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन का, और इसीलिए हम इसे
शेप में काउंट करते हैं और ये हमेशा फिजिकल क्वालिटी के बाद यूज किया जाएगा। फिर बात आती है एज की। एज कहने का मतलब है कि कोई चीज कितनी पुरानी है, वो नया है, पुराना है, कितने साल का है। तो अगर आपको 25 इयर्स ओल्ड, 26 ईयर ओल्ड ऐसा मिल रहा है तो वो एक्सप्रेशन भी आप यूज करेंगे। उसके अलावा हम यूज करते हैं ओल्ड, न्यू, ठीक है, कोई भी आप एंटिक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप और क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपको दिया गया है एंशियंट, ठीक है, कोई चीज अगर मॉडर्न है, ये सारे वर्ड्स आपको एज डिनोट करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी वर्ड आपको दिया गया है तो आप उसे एज में कंसिडर करेंगे, राइट। चलिए मूव करते हैं सेवेंथ की तरफ। सेवेंथ इज कोई भी कलर बताने वाला वर्ड, चाहे वो रेड हो, वो ब्लू हो, वो अगर आपको ब्राउनिश भी दिया गया है या कोई भी कलर दिया जाए, हम उसे यहाँ काउंट करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद आता है ओरिजिन। स्टूडेंट, ओरिजिन का मतलब कि कोई चीज या नाउन कहाँ की है, उसकी ओरिजिन कैसी। अगर मैं कहूँ मेरी ओरिजिन कहाँ की है, इंडियन है, ठीक है। लेट्स से कि कोई चीज है वो अफ्रीकन ओरिजिन की है, ठीक है, कोई चीज जो है वो इंग्लिश ओरिजिन की है, इंग्लैंड की है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई चीज जो है वो जर्मन है। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड आपको अगर दिया गया है जो आपको ओरिजिन डिनोट करेगा, वो हमेशा कलर के बाद हम यूज करेंगे। फिर आती है बात मटेरियल। मटेरियल तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है, मटेरियल मतलब कोई चीज, कोई थिंग, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा लेदर, मैंने कहा कोई चीज जो है वो वुडन है या वुड हुआ, कुछ भी आप यूज करिए, ठीक है। मैंने सिंथेटिक कहा या मैंने मेटल कहा, तो ये सारी चीजें जो हो गई वो मटेरियल हो गई, ठीक है। ये आएगा आपका ओरिजिन बाद में। फिर आता है पर्पस, यानी कि किसी चीज को आपने किस काम के लिए यूज किया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं वॉशिंग मशीन लेकर आई हूं, तो किस पर्पस के लेकर आऊंगी, वॉशिंग के लिए। मैंने अगर फ्राइंग मशीन खरीदी है तो वो मैं किस लिए लेकर आई हूँ, फ्राइंग पर्पस के लिए। तो कुछ भी ऐसा जो किसी पर्पस के लिए दिया गया है, ठीक है, वहां आप पर्पस के लिए जो वर्ड दिया गया होगा वो वर्ड आप वहां यूज करेंगे। फिर बात आती है आपके नाउन की। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपको क्या दिया हुआ है। अब नाउन आपको पता है कि किसी भी चीज का नाम हो सकता है, चाहे वो कोई बैग हो, टेबल लिखा जा सकता है, ठीक है, हो सकता है आप किसी होटल के बारे में कुछ दिया गया हो, किसी मैन के बारे में कुछ दिया गया हो, किसी डॉग के बारे में कुछ दिया हो, कुछ भी हो सकता है। एम आई क्लियर? तो जो बेसिकली आपका सीक्वेंस आता है वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि पहले हम लिखते हैं डिटर्मिनर्स अगर दिया है तो, फिर बात आती है ओपिनियन की, देन साइज, फिर हम बात करते हैं फिजिकल क्वालिटी की, फिर बात करते हैं शेप की, फिर बात करते हैं एज की, देन कलर, फिर आता है ओरिजिन का नंबर, फिर मटेरियल, देन पर्पस, एंड देन फाइनली जो भी आपका नाउन होगा वो मेंशन करेंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं हमारे इस एग्जांपल की तरफ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। अब आपको पता है कि यहां अगर मुझे एरर देख तो मुझे क्या क्या चाहिए। स्टूडेंट याद रखिए कि सारे 11 के 11 पॉइंट जरूरी नहीं है कि आपको दिए जाएं, ठीक है, पर नाउन दिया होगा क्योंकि नाउन की ही मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। पर जरूरी नहीं है कि हर बार ओपिनियन दिया हो, साइज दिया हो, कलर दिया हो या ओरिजिन दी गई हो, ठीक है, कोई एक दो स्किप भी किया जा सकता है, पर जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब इस सेंटेंस में बढ़ते हैं आगे। तो जैसा हमने रूल में डिस्कस किया कि हमें पहले डिटरमिनर चाहिए, तो आप देख रहे हो कि आर्टिकल ए तीनों ही सेंटेंसेस में है, यानी कि डिटरमिनर की पोजीशन अपनी जगह पर है। फिर हमें चाहिए ओपिनियन। आप देख रहे हैं कि तीनों ही सेंटेंसेस में ओपिनियन भी अपनी सही जगह पर, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होता है साइज। खैर, तीनों ही सेंटेंसेस में साइज में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फिजिकल क्वालिटी कुछ नहीं दिया हुआ है, शेप रेक्टेंगुलर सर्कुलर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें एज दिया हुआ है कि वो कैसी है, न्यू। आप देख रहे हो कि यहाँ भी न्यू लिखा हुआ है, यहाँ भी न्यू लिखा हुआ है, यहाँ भी न्यू। तो हमें पहले चाहिए होगा न्यू। तो न्यू ये गलत जगह पे चला गया, ये गलत जगह पे चला गया, बिकॉज इन दोनों के पहले कलर है, तो हमारा ये पोजीशन यहाँ तो सही आ गया, ठीक है। अब इतना भी अगर आपको पता लग गया है तो आप अपना पहला सेंटेंस करेक्टली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पर हमको जैसा पता है कि हम एज के बाद फिर क्या लेंगे, कलर, ठीक है, तो कलर दे दिया। फिर कलर के बाद हमें चाहिए होता है ओरिजिन, तो ओरिजिन दिया है। खैर, इसके बाद आपको मटेरियल या पर्पस नहीं दिया हुआ है, फिर फाइनली आता है आपका नाउन, यानी जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वो ये फर्स्ट सेंटेंस है। ये दोनों ही सेंटेंसेस जो है इनकरेक्ट है।
जबकि कुछ लोगों को ये दोनों सही लग रहे थे। एम आई क्लियर? तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप बहुत इजीली सेंटेंसेस में एरर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे पहला एग्जांपल है, शी वाज अ ब्यूटीफुल टॉल थिन यंग ब्लैक हेयर्ड इंडियन वुमन। यानी इन सारे सेंटेंसेस में बिल्कुल वही सीक्वेंस यूज किया है जो हमने डिस्कस किया है। शी वॉज अ डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। फिर आपको ब्यूटीफुल दिया है जो कि ओपिनियन है। टॉल आपको दिया हुआ है कि वो कितनी टॉल है, यानी कि साइज दे दिया, ये आपका साइज हो गया, ठीक है। ये ब्यूटीफुल आपको बता दिया, आपका ओपिनियन हो गया। ये आपका डिटर्मिनर है, ठीक है। थिन कैसी है, मतलब ये शेप में चला जाएगा आपका, वो फ्लैट है, थिन है, ऐसा कुछ बताने, तो ये आपका हो गया, हमने ले लिया शेप में, ठीक है। फिर यंग, ये एज दे रहा है आपको, राइट, अपनी पोजीशन पे ही है। ब्लैक हेयर्ड लिखा है, इसका मतलब ये आपको कलर दे रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई हम कलर के पहले क्या रखते हैं, एज। देखिए कलर की स्पेलिंग ओ आर बी होती है और सी ओ एल ओ यू आर बी होता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश एसेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, दोनों ही सही है। उसके बाद हमें चाहिए ओरिजिन जो हमने यहाँ रखा हुआ है, और फाइनली हमें चाहिए हमारा नाउन, यानी कि इस सेंटेंस में हमने सब कुछ ऑर्डरली अरेंज किया था, ये सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ भी दिया हुआ है द डिटर्मिनर, बिग आपका दिया हुआ है साइज, ठीक है। उसके बाद आपको कलर दिया हुआ है, क्योंकि कलर के पहले का जो एज है वो आपको दिया नहीं है। कलर यहाँ आप देख रहे हैं, तीन कलर दिया हुआ है, ग्रीन, व्हाइट एंड रेड। तो हम इन दोनों के बीच में कॉमा लगा लेते हैं और इस तरीके से सेंटेंस को लिखते हैं, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। वी वेंट फॉर अ 2 week क्रूज ऑन अ इनक्रेडिबल ओपिनियन, ठीक है, ऑन अ डिटर्मिनर। इनक्रेडिबल आपका ओपिनियन हो गया सेंटेंस में, ठीक है। यूज क्या हो गया, साइज हो गई। ब्रांड न्यू जो है वो आपका एज हो गया। इटालियन जो है वो आप ओरिजिन हो गई, और फाइनली आ गया ओशन लाइनर, यानी कि ये हमारा नाउन, ये भी आप प्रॉपर्ली अरेंज, ठीक है। इसी तरीके से माय ब्यूटीफुल ओपिनियन, फिर आ गया बिग यानी कि साइज, फिर आ गया सर्कुलर। अब आप यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी नहीं है लेकिन आपको शेप दिया हुआ है, ठीक है। फिर शेप के बाद आपको एज मिल रहा है, एज इज एंटिक, पुराना, ठीक है। कलर दिया हुआ है आप, तो वो भी अपनी पोजीशन पे सही है। उसके बाद आता है इंग्लिश, यानी कि ये आपका ओरिजिन बता रहा है, ठीक है। यहाँ हमें मटेरियल भी दिया हुआ है, मटेरियल क्या हो गया, वुडन, ठीक है। कॉफी टेबल वॉज ब्रोकन इन द मूव, यानी कि चारों सेंटेंसेस जो है वो उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो अगर आप इसको कर लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए तीन सेंटेंसेस है, एक जैसे दिख रहे हैं बट इनमें एक एरर है, ठीक है। ढूंढते हैं कि कौन सा वाला सही है। फर्स्ट कह रहा है आपसे, वी टुक अ राइड ऑन अ ब्लू ओल्ड चाइनीज बस, ठीक है। फिर दूसरा दिया है, वी टुक अ राइड ऑन अ चाइनीज ओल्ड ब्लू बस। थर्ड है, वी टुक अ राइड ऑन एन ओल्ड ब्लू चाइनीज बस। ओके, तीनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस आपका करेक्ट है। हमें रूल के अकॉर्डिंग जो हमें सबसे पहले चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, ये एज दिया, ये कलर दिया और ये ओरिजिन। यहाँ पे पहले कलर दिया है, फिर क्या दिया है आपको, कलर के बाद एज दे रहा है, गलत हो गया। हम हमेशा सीक्वेंस जो यूज करते हैं उसमें पहले क्या रखते हैं, हम पहले आप क्या रखते हो, एज, फिर हम रखते हैं कलर, ठीक है। तो एज ये पहले ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ ओरिजिन ही पहले रख दिया इन्होंने, तो पहले एज ये आया और फिर कलर ये आया आपका और ये आया आपका ओरिजिन, यानी कि हमारा करेक्ट सेंटेंस जो है वो थर्ड, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई वुड लाइक 3 good reasons why यू डोंट लाइक स्पिनच। आई वुड लाइक अ गुड 3 reasons why यू डोंट लाइक स्पिनच। थर्ड इज आई वुड लाइक गुड रीजन, आई वुड लाइक गुड reasons की। तो ये थर्ड तो यू कैन इजिली एलिमिनेट बिकॉज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट टू में शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन आएगा, बट हमें यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव नहीं दिए हैं, 3 good reasons दिया है और गुड 3 reasons दिया है। तो आप, मैंने अभी डिटर्मिनर्स का पॉइंट बताया था, 3 determiner हमेशा पहले आएगा, फिर आपका ओपिनियन आएगा। तो डिटर्मिनर हो गया आपका 2, 3, ऐसे कोई भी वर्ड डिटर्मिनर में चले जाते हैं। ये हो गया आप ओपिनियन, कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई लाइक दैट रियली बिग रेड ओल्ड एंटिक ट्रैक्टर इन द म्यूजियम। नीचे आपको दिया बिग ओल्ड रेड एंटिक ट्रैक्टर, ये भी बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस की तरह है, एज और
आपको कलर पे डिफ्रेंशिएशन लेना है, ठीक है। अब रूल के हिसाब से हमको पहले चाहिए साइज, उसके बाद हमें चाहिए कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको एज या कलर बता रहा हो। तो अगर आप ऐसे चेक करोगे तो यहाँ देखिए आपको पहले ओल्ड दिया है, एज दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया कलर, ठीक है, ये ओपिनियन दे रहा है तो गलत हो गया, ये पहले ही गलत हो गया आपका। इन दोनों सेंटेंसेस में ओपिनियन जो है वो पहले रख दिया है, तो ये तो आपका यहाँ सही है। फिर आता है हमें फिर चाहिए साइज की बारी आनी चाहिए, तो चलिए इन्होंने साइज भी सही जगह पे दोनों में रखा है, लेकिन फिर इन्होंने एज और कलर को गलत रख दिया है। तो हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जहां पर पहले एज दिया हो और बाद में कलर, तो कौन सा वाला आ गया आपका, ये गलत हो गया आपका फर्स्ट, तो हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट हो गया, सेकेंड। यहाँ पे ओपिनियन, फिर आपको साइज, फिर आपको एज, फिर कलर, और ये एंटिक यानी कि आपका एज बता रहा है, रेड कलर हो गया, ठीक है, ओल्ड रेड एंटिक ट्रैक्टर इन द म्यूजियम, ठीक है। तो इस ये मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से इनको साथ में रखा गया, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। माय ब्रदर रोड अ ब्यूटीफुल बिग ब्लैक फ्रिशियन हॉर्स इन द परेड, रोड अ ब्यूटीफुल फ्रिशियन बिग ब्लैक हॉर्स इन द परेड, और फिर है आपका अ बिग ब्लैक ब्यूटीफुल फ्रिशियन हॉर्स इन द परेड। ओके, इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले ओपिनियन देखना है, तो दो स्टार्टिंग के दोनों सेंटेंसेस में ओपिनियन और डिटरमिनर अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। थर्ड तो आप बिल्कुल गलत कर दोगे, क्योंकि ओपिनियन इन्होंने ब्लैक यानी कलर के पीछे लिया है, तो जो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं, ओके, माय ब्रदर रोड अ ब्यूटीफुल बिग ब्लैक फ्रिशियन हॉर्स इन द परेड, क्लियर। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपको बताया था वही याद रखना है, उससे आप इजिली इन्फर कर पाओगे। तो हम चलते हैं, हमने देखा कि लिखा है माय ब्रदर रोड अ ब्यूटीफुल ब्लैक फ्रिशियन हॉर्स, आपको पहले क्या चाहिए डिटरमिनर, फिर हमें चाहिए हमारा ओपिनियन, ओपिनियन के बाद आपका आना चाहिए था बिग यानी कि साइज, उसके बाद आना चाहिए था कलर, फिर आना चाहिए था ओरिजिन, यानी कि इस सेंटेंस में अगर आप देखते हो तो जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, ओके। सो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ वो हो गया फर्स्ट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच सेंटेंसेस यूजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस जो है वो करेक्ट, जैसा कि हमने बाकी क्वेश्चन किया। तो क्या मिल रहा है आपको स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स आई वोर अ रेड व्हाइट एंड ब्लैक बिग हैट टू स्पोर्टिंग इवेंट्स, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, आपको फिर से वही चीज ढूंढनी है। आई वोर अ बिग रेड, पहले आपको क्या चाहिए होगा साइज, फिर आपको चाहिए होगा कुछ कलर बताने वाला, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सा वाला सेंटेंस जो है वो सही हो गया। अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमारा जो सही सेंटेंस है वो है सेकंड, ठीक है, क्योंकि सेकंड में आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है आपको, आई वोर अ बिग रेड व्हाइट एंड ब्लैक हैट टू स्पोर्टिंग इवेंट्स, ओके, यानी कि पहले आपको क्या चाहिए होगा बिग साइज, उसके बाद ये आपका डिटरमिनर आ गया, ठीक है, डिटरमिनर के बाद आपको साइज मिल गया, फिर आपको मिल रहा है कलर, कलर में यहाँ पे तीन कलर दिए हुए हैं तो वो आपने ले लिया। अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ भी तो वही दिया हुआ है, देखो आई वोर अ बिग रेड व्हाइट, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी याद रखिए कि जब हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉमा से। बिग रेड जो है वो साथ का एक्सप्रेशन है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसीलिए वो साथ में है, लेकिन बाकी के एक्सप्रेशन को हमने अलग किया है कॉमा से। या अगर और भी कलर दिए गए होते तो आप कॉमा के साथ यूज कर सकते थे, व्हाइट ग्रीन एक्सेट्रा, और फिर लास्ट वाले के साथ हम लगाते हैं एंड, जो कि यहाँ लगा हुआ है, इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस है आपका वो है, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें कोई क्वेरी नहीं होगी, और अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या उसको ऐसा लगता है कि उसे कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमें डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका डाउट जरूर उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, थैंक यू।